ये क्या कर रहा है और क्या करने वाला है? आपको देखने आया हूँ सृष्टि, अगर आपको देख ही नहीं सकता हूँ। पता है क्या बोलते हैं वो, कि आपके चेहरे से ये बैंडेज हटा नहीं सकते। जानता हूँ आप कोमा में हैं, लेकिन ये भी जानता हूँ कि आप मेरी सारी बातें सुन सकती हैं। आप तो माँ है ना, बचपन से आपको माँ कहकर बुलाया है मैंने। अपनी सारी बातें आपसे शेयर की, अपने सारे दर्द, अपने सारे सीक्रेट्स सब आपको बताया है। राजवीर का साथ, राजवीर का सहारा, राजवीर का दर्द बांटने वाली एक आप ही तो थी। और जब जब आज मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी, तो आप है ही नहीं मेरे साथ। जानती है माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दर्द हो रहा है मुझे यहाँ पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं चाहता था कि आप मेरे साथ यहाँ रहो, मगर आप नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है आप? आप तो मेरी माँ है ना, बचपन से आपको माँ बुलाता हूँ सृष्टि माँ, क्योंकि यही मुझे बताया गया था। और माँ से ज्यादा मुझे आप में एक दोस्त मिली, जिसने जिसने मुझे प्यार किया, मुझे डांटा, शेयरिंग केयरिंग सब कुछ। अगर आज जब सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी, तो आप है ही नहीं मेरे पास, है ही नहीं। मैं चाहता हूं कि आप उठे, मेरे आंसू ऐसे पोछे, मेरे सिर पर हाथ रख के मुझे शांत करे। पहले एक आंसू भी बहता था तो आप मुझे शांत करा देती थी। एक गलती करता था तो कहती थी राजवीर ये नहीं, राजवीर वो नहीं, मुझे बोलने का मौका ही नहीं देती। कितना कुछ बोलती थी आप, और आज आप कुछ नहीं बोल रही, कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूं कि आप बोले, पहले की तरह मुझे समझाए, मुझे समझे, मगर मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मुझे कितना दर्द हो रहा है, मैं कितना परेशान हूं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं बता भी नहीं सकता हूं आपको। और जानती हूं वो मेरे पापा, पापा मेरे पापा इतने बुरे इंसान है, इतने बुरे इंसान है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। उन्होंने मेरी माँ को सिर्फ दर्द दिया, दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया। मैंने मैंने सुना है, मैंने देखा है, मैंने अपनी माँ को तड़पते हुए भी देखा। जब भी शोर होता तो वो डर जाती, वो छटपटाने लगती, चीखती, चिल्लाती। इसी वजह से तो वो वापस लूथरा हाउस नहीं गई। डाउनलोड कीजिए Zee5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।